हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कंप्यूटर हिंदी notes.com से, और आज इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे यूज करते हैं और उसका क्या मतलब होता है। कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, मतलब जब ये स्क्रिप्ट चल रही होगी उस वक्त आप इसमें वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। दोस्तों, वेरिएबल का यूज हम करते क्यों हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने एक ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हैं, एक ऐसा पेज बनाना चाहते हैं जहां पे यूजर अपना कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहा है और उस वैल्यू के आधार पर आप उसको ये बता रहे हो कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो आप जिसमें यूजर द्वारा इनपुट की गई वैल्यू का प्रयोग करना है। तो ये हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। बहरहाल, अभी हम ये जान लें कि वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें VAR कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे पहले VAR और फिर वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम आपको कैसे रखना है उसके लिए भी कुछ रूल्स हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहले, जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि जो नाम है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब आप उसमें अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक, ये कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड रूल होता है वो ये कि जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है, मतलब जहां से स्टार्ट करना है हमको वेरिएबल का नाम लिखना, वो हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। मतलब आप किसी वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं रख सकते, ठीक है, ये गलत होगा। सही क्या होगा, आप ऐसा लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग में हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो ये गलत माना जाएगा। तीसरा चीज जो डिफाइन याद रखना चाहिए आपको वो ये कि कभी भी कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब नो कीवर्ड्स अलाउड। तो अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम कीवर्ड के आधार पर रख दिया तो वो भी गलत है। तो आपको उस लैंग्वेज के कीवर्ड्स के बारे में मालूम होना चाहिए। कीवर्ड्स मतलब क्या होता है, जो ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग पहले से उस लैंग्वेज में फिक्स है, पहले से प्री डिफाइंड है, तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते हैं। चौथा रूल है कि वेरिएबल के नाम में हम वाइड स्पेस यूज नहीं करते हैं, मतलब आप स्पेस नहीं लगा सकते। जैसे मैंने लिखा टोटल सैलरी, तो ये इस नाम का जो वेरिएबल है ये गलत है। हमको अगर ये डिफाइन करना है तो या तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या हम यहाँ पे अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। तो पांचवा रूल यही आ जाता है कि हम सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं एज ए स्पेशल कैरेक्टर अगर आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना है। तो ये पांच रूल हमें याद रखना है हमेशा जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि हमने सीधा यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो ये हमारा नम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन हो गया। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बाकी सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उन सभी में हमें वेरिएबल डिफाइन करते समय डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। डेटा टाइप मतलब होता है कि वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ऐसा हमको पहले बताना होता है। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आप वेरिएबल डिफाइन करते समय आपको कभी भी डेटा टाइप फिक्स नहीं करना पड़ता है। तो मतलब आपने एक बार वेरिएबल बना दिया, अब उसमें कैसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वेरिएबल यहां पर डिफाइन किया और फिर यहां पर हम नम की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो हमने कहा कि सपोज कि नम में 10 असाइन होगा, ठीक है। अब ये दो लाइन जो मैंने लिखी हैं, इनको आप एक साथ भी लिख सकते हो। तो अभी जैसे हमने क्या किया, अगर ये लाइन हमने लिखी है, ठीक है, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये कमेंट है, ये इसको जावास्क्रिप्ट रीड नहीं करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये जो हमने वेरिएबल लिखा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उस वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब ये दोनों चीजें हम एक साथ लिख सकते हैं। सपोज हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया और उसमें हमने 100 असाइन करना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और साथ में यहीं पे हमने वैल्यू असाइन भी कर दी। तो आप ऐसा भी आसानी से कर सकते हो। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है जहां पे हम वेरिएबल डिक्लेयर अलग करते हैं और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज बाद में करते हैं, और एक तरीका ये है जहां पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और साथ में उसको हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे हमने ये वेरिएबल डिफाइन तो कर दिया, अब अगर हमें इसको यूज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमारा एक फंक्शन है जिसको भी हम यूज करेंगे कई जगह पे, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, तो
तो अब एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम मैंने यहाँ पे चालू करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने पेज खोला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 100 वैल्यू प्रिंट होके मिल रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको अगर याद होगा तो लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट बताया था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे मैसेज टाइप करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखा है बट यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया। तो अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा करता हूँ और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि वेरिएबल में डेटा टाइप नहीं होता है, तो इसका ये मतलब है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू 100 रखी है और बाद में आप इसको वैल्यू चेंज करके सपोज कोई दशमलव वाली वैल्यू देना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें स्टोर हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे 10.23 प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं सपोज x में अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि उसमें वो भी स्टोर हो गया। तो मतलब आप एक ही वेरिएबल में किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। इवन जो हमारे पास बूलियन डेटा टाइप होता है आप वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, इससे आपको पता ही होगा कि जो डेटा टाइप होता है बूलियन उसमें ट्रू या फॉल्स ही स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो और उनका प्रयोग कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा नम, नम की वैल्यू हमने 10 यहाँ पे असाइन की थी आप देखोगे, और वो वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी है। अब अगर साथ में हम यहाँ पे चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ नम इज 10 ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये देख लीजिए यहां हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ नम इज, और यहां पे अब ये देखिए ये जो मैसेज है ठीक है, ये मैसेज को हम लोग इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखेंगे। जो नम है वो एक वेरिएबल है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखेंगे और इन दोनों को आपस में हमें कॉन्केटिनेट करना है, मतलब हमें साथ में प्रिंट करना है, तो यहां पे हम प्लस का यूज करेंगे। अब आप देखोगे तो यहां पे मैसेज आ रहा है और फिर नम की वैल्यू आ रही है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे x की वैल्यू को भी यहां पर प्रिंट करना है और यहां पे मैंने x लिख दिया, यहां पे भी x लिख दिया। अब आप देखोगे तो यहां पे जो हमारा आंसर है जो हमारा डिस्प्ले में आउटपुट है उसमें आप देखोगे कि यहां पे वैल्यू ऑफ x इज ट्रू लिखा गया, क्योंकि x में अभी यहां पे वैल्यू क्या है ट्रू है। इसको मैं यहां डिलीट कर देता हूं, इसको मैं रिफ्रेश किया ठीक है। अब अगर ये आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए है तो आप यहां पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप HTML का भी यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। तो इस तरीके से नम की वैल्यू 10 और x की वैल्यू अभी हमने सेट किया आशीष, तो वो आपको यहां पे दिख रही है। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा एक ही लाइन में हम मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा वेरिएबल नम 1 और मैंने नम 1 की वैल्यू 10 असाइन की है, फिर वेरिएबल नम 2 इसमें 20 असाइन की है ठीक है। अब ये दोनों वेरिएबल को हमने अलग अलग लाइन में डिफाइन किया है, हम चाहें तो इनको हम एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो मैं आपको कोई दूसरे वेरिएबल डिफाइन करके बताता हूं। जैसे मैं सपोज मैं लिखा x1 और x1 की वैल्यू दी 10 ठीक है, फिर x2 सपोज इसकी हमें वैल्यू नहीं देनी है, x3 इसकी वैल्यू सपोज हमें 100 देनी है, आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक ही टाइप के वेरिएबल हो गए यहाँ पे, सारे इंटीजर्स हैं सारे न्यूमेरिक वेरिएबल हैं, पर ऐसा भी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो। सपोज मैंने लिखा वेरिएबल i इक्वल टू 10 ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने सपोज j इक्वल टू और मैंने उसमें सपोज कंप्यूटर लिख दिया, स्ट्रिंग लिख दिया, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे सपोज k लिखा और उसमें मैंने एक डेसिमल वैल्यू डाल दी, तो ये भी चलेगा। तो मतलब आप किसी तरीके से भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। तो एक बार रिकैप के लिए मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम VAR कीवर्ड का यूज करते हैं और उसके आगे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम चाहें तो वैल्यू असाइन करना है अगर तो इक्वल के साथ हम वैल्यू भी लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे,
तो वो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, जैसा कि हमने अभी आउटपुट में देखा था, जैसे आप यहां देख सकते हो। फिर वेरिएबल को आप अगर मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन करने हैं तो उसके लिए आप चाहें तो कॉमा लगा के आप कितने भी वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें सभी जो वैल्यू है वो इंटीजर रहें, आप कैसा भी डिफाइन कर सकते हो। और साथ में हमने ये भी देखा कि वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें यहां पर ये रूल्स को कुछ फॉलो करना होता है कि जो नाम है वेरिएबल के वो क्या होंगे। अभी इस वीडियो खत्म करने के पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, तो ये आपके लिए एक बोनस स्टेप है कि आप वेरिएबल डिफाइन करने के लिए VAR की जगह लेट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इसे लिखा है यहां पे लेट और माय नेम इक्वल टू आशीष विश्वकर्मा। अब मान लीजिए इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो जैसे मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे सपोज हम VR, इस बार सपोज हम यहां पे HR लिखते हैं, HR से लाइन एक ड्रॉ हो जाती है और उसको हम यहां इन्वर्ट कॉमा बंद करेंगे प्लस माय नेम। अब इसका हम यहां पे आउटपुट देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पे लेट के थ्रू भी हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप VAR का भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो लेट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों से सेम वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे सीखेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।